आष्टा वन विभाग द्वारा लकड़ी चोरों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई में आज फिर आष्टा रेंज के ग्राम पत्थर गुराड़िया के पास अवैध रूप से बेशकीमती 120 नग सागौन दौलतपुर से इंदौर ले जाई जा रही थी। मुखबिर के फोन कॉल पर रेंजर राजेश शर्मा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर पिकअप वाहन को पकड़कर जब्त किया। सागवान की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई गई है। इस कार्रवाई में इंदौर के पालदा निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसका एक साथी वन विभाग के अमले को देखकर फरार हो गया। भारतीय न्यूज के लिए आष्टा से खालिद खान की रिपोर्ट। आज सुबह दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप वाहन पत्थर गुड़ाड़िया से बरझड़ी मार्ग पर सागौन की कास्ट लेकर जा रहा है। तत्काल मौके पर स्टाफ पहुंचा और वहीं पर इसको जब्ती में लिया गया है। इसमें 120 नग के लगभग है। इसका मूल्य 2.5 लाख के जो है सागौन का मूल्य है और वाहन का 1.5 लाख के लगभग मूल्य है। ये वाहन है एक जितेंद्र राठौर नाम का ड्राइवर इसके साथ में था जो ले अवैध रूप से लेके जा रहा था। ये बाबूलाल नगर पालदा इंदौर का रहने वाला है। वाहन कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये दौलतपुर से इंदौर ले जाया जा रहा था। आरोपी पकड़े? आरोपी एक पकड़ में आया है। इसमें मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5(1), 15(16) में कार्रवाई की जा रही है। Subscribe now to most exciting channel ever.